हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतूज कुकिंग हब। आज मैं बनाने जा रही हूँ न्यू ईयर स्पेशल नॉनवेज थाली, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस थाली के हर आइटम आपको काफ़ी पसंद आएंगे। इस न्यू ईयर अगर आप वेज थाली खाना चाहते हैं तो वेज थाली की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी नॉनवेज थाली को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फिश फ्राई। फिश फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 7 से 8 पीस कतला फिश लिया है, जिसमें हमें 1 बड़े चम्मच नींबू का रस डाल के इसे मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसे 8 से 10 मिनट तक आप छोड़ दें। आप चाहें तो इसे वॉश कर दें। 10 मिनट हो चुकी थी, मैंने इसे वॉश कर दिया है। और अभी यहाँ पे मैंने 1/2 छोटी चम्मच नमक लिया है, लहसुन पेस्ट लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इन सब मसालों को हमें अच्छे से मछली के ऊपर कोट कर देना है। मसाला लग जाने के बाद भी आप इसे 10 मिनट छोड़ सकते हैं। 10 मिनट हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है। तेल में मैंने यहाँ पे पीला सरसों डाला है, आप चाहे तो काली वाली सरसों भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे फिश को डाल के आप लो मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लें। और आप देख सकते हैं फिश उस साइड से फ्राई हो चुकी थी, तो मैंने उसे पलट दिया है। तो इसी तरह हमें फिश फ्राई कर लेना है। और हमारा फिश फ्राई अभी रेडी है। अभी हम लोग बनाएंगे एक कढ़ी। एक कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े साइज का प्याज, 1 बड़े साइज का टमाटर और 1 इंच अदरक। इसे पीस के हमें एक पेस्ट बना लेना है। और ये हमारा पेस्ट रेडी है। यहाँ पे मैंने 8 अंडे को बॉईल करके उसका छिलका निकाल लिया है। और अभी यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच सरसों तेल लिया है और अंडे को डाल के हमें फ्राई कर लेना है। अभी अंडा फ्राई हो चुका है, तो हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। मैं इसमें छोटे छोटे कट लगा रही हूँ, इससे इसमें ग्रेवी अच्छे से अंदर चली जाएगी। अभी मैंने उसी पैन में 2 बड़े चम्मच और तेल डाल दिए हैं। 1 छोटी चम्मच जीरा लिया है। जीरा के चटक जाने पे हमने जो पेस्ट बनाया है उसे डाल के हमें अच्छे से भून लेना है। प्याज को आप ढक के अच्छे से भूने 5 से 6 मिनट तक। प्याज अभी भून चुका है, तो मैं इस टाइम पे यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। इन सब चीज़ों को भी हमें ढक के अच्छे से भूनना है। मसाला अच्छे से भुने फ्रेंड, जब तक कि मसाले से तेल ना छूट जाए। मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक भुना है। और मसाला भुनने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से बनाए, जितनी ग्रेवी की आपको ज़रूरत हो। पानी डालने के बाद मैंने यहाँ पे एक को इसमें डाल दिया है।
एक को डालने के बाद मैंने यहाँ पे ढक के इसे 5 मिनट तक और पकाया है। नमक स्वादानुसार, और अभी 5 मिनट हो चुके हैं तो हमारा एक करी रेडी है। इस टाइम पे मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला, धनिया की कुछ पत्तियां, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इन सब चीजों को डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और हमारा एक करी अभी रेडी है। अभी हम लोग बनाएंगे चिकन करी। चिकन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में मैंने 4 बड़े चम्मच तेल लिए हैं। तेल के गर्म हो जाने पे मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है, 2 तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च और यहाँ पे मैंने 1/2 केजी प्याज लिया है जिसे पतले पतले स्लाइसेज में कट किया है। इसे हमें अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच अदरक लिया है जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में कट किया है। आप चाहे तो अदरक को पीस के भी डाल सकते हैं। प्याज को मैंने 5 से 6 मिनट तक भून लिया है और मैंने यहाँ पे 1 केजी चिकन लिया है। चिकन को प्याज के साथ हमें अच्छे से भूनना है ताकि प्याज के पानी में चिकन हमारा अच्छे से पक जाए। इसे हमें लगभग 7 से 8 मिनट लगेंगे भूनने में। चिकन अभी अच्छे से भून चुका था तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट डाला है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, नमक स्वादानुसार। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आप 10 से 15 मिनट तक ढक ढक के भून लें। अभी लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन आप देख सकते हैं कि एकदम अच्छे से भून के पक चुका है। इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आ चुका है तो इस टाइम पे हमें पानी ऐड कर देना है। चिकन लगभग पक चुका है तो हमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है और 5 से 6 मिनट तक इसे लो मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। पाँच से छः मिनट हो चुके हैं और चिकन बिल्कुल रेडी है। इस टाइम पे मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कसूरी मेथी, गरम मसाला 1 टीस्पून, इसे डाल के हमें मिक्स करके और चिकन को ढक देना है और हमारा चिकन करी रेडी है। अभी हम लोग बनाएंगे वेज पुलाव। इस वेज पुलाव में मैंने ज़्यादा सब्जियाँ यूज नहीं की है क्योंकि हमें नॉनवेज के साथ खाना है इसे। आप चाहें तो और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। कढ़ाई में मैंने अभी 2 से 3 बड़े चम्मच तेल लिया। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। कुछ खड़े गरम मसाले ले रहे हैं, इलायची, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, थोड़ी सी कटी हुई सब्जियां ली है मैंने, गाजर, बीन्स, इसे हमें थोड़ा सा भून लेना है। यहाँ पे मैंने 1 कप राइस लिया है जिसे धो के मैंने 10 से 15 मिनट भिगो दिया था और इसे डाल के मैं अभी इसे भून लूँगी। 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे आप इसे भूनें। जब आपका चावल थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाएगा मतलब आपका चावल भून चुका है। तो चावल अभी भून चुका है तो मैंने चावल से डबल इसमें पानी ऐड कर दिया है। अगर 1 कप आपने चावल लिया है तो 2 कप पानी ऐड करें। नमक 1/2 टीस्पून, इसे चला के आप 7 से 8 मिनट तक पका लें। यहाँ पे मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच किशमिश डाला है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से और कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 7 से 8 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि वेज पुलाव रेडी है। एकदम खिला खिला राइस हमारा बन चुका है।
लास्ट में मैंने यहाँ पे केवड़ा एसेंस डाला है, आप चाहे तो कोई भी एसेंस यूज कर सकते हैं, रोज एसेंस, जो भी आपको एसेंस पसंद है। और अभी मैं बनाने वाली हूँ पराठा, आप चाहे तो पूरी भी बना सकते हैं इस थाली में। पराठा बनाने के लिए मैंने नॉर्मल सा आटा लिया है, जो हम लोग रोज रोटी बनाते हैं वैसा आटा गूंथ लिया था, और वह सिंपल सा पराठा मैं अंदर थोड़ा सा तेल लगा के बना रही हूँ। और पराठा अभी बेल चुका था तो मैंने यहाँ पे एक तवा रख दिया था, थोड़ा सा इस पे रिफाइंड ऑयल लगा के मैं इसे पका लूंगी। और हमारा पराठा एकदम रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे न्यू ईयर की नॉनवेज थाली रेडी है, चिकन करी, फिश फ्राई, एग करी और वेज पुलाव के साथ। तो आप इस न्यू ईयर इस नॉनवेज थाली को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी ये नॉनवेज थाली कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।